हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखा था। मैंने बताया था कि दो लॉज होते हैं, पहला लॉज करंट लॉ होता है या जॉनसन लॉ होता है, दूसरा लॉ जो करंट और जॉनसन लॉ क्या चीज़ पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। सेकंड जो पॉइंट सेकंड लॉ क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ या पोटेंशियल लॉ, और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन आई मीन किरचॉफ्स लॉ यूज करके हम सर्किट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहां देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी शोन इन द फिगर बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, ठीक है। आपको लूप लॉ और जॉनसन लॉ यूज करना है। तो पहले आप देखो, यहां देखो तीन लूप बनेंगे, ध्यान देना क्या है, तीन लूप बनेंगे। एक तो लूप ये हो सकता है ए बी डी ई ए, एक लूप ये हो गया। दूसरा लूप ये हो सकता है बी सी डी डी बी, ये भी हो सकता है। तीसरा लूप ये हो सकता है ए बी सी डी डी ई ए, तीन क्लोज लूप बनेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मुझे उतने ही नंबर ऑफ लूप कंसीडर करना है जितने अनोन हो। नंबर ऑफ लूप्स कंसीडर्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनोन करंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अनोन करंट, तो ये ध्यान देना है। क्योंकि यहां आप देखेंगे तो देयर आर थ्री क्लोज लूप, बट इफ बाय यूजिंग ओनली टू loops we can solve the problem easily, then what is the need to take third loop hum nahi consider karenge। to ek hamesha yaad rakhna hai ki while using Kirchhoff's law always keep in mind that ki the number of loop considered must be equal to number of current number of unknown currents present, theek hai। to pehla dekho, ab hum kya yahan ek to pehla point ye likhenge, तो पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, यदि मैं हम सोचें तो पहला हम केसीएल कहाँ यूज कर सकते हैं, बी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, कहीं भी जहां नोड हो। और सिंपल केसीएल का यूज क्या है कि इट कोरिलेट द करंट कमिंग टू द नोड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, एंड इट्स गिव द रिलेशन बिटवीन द करंट्स या अमोंग द करंट्स कमिंग टू द नोड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। तो यहां हम लिख सकते हैं अप्लाइंग के सी एल एट बी एट नोड नोड बी और क्या होगा डी। तो हम बोल सकते हैं कि देखो यहां इस पॉइंट पे इस नोड पे करंट क्या रहा है आई, और जा कौन सा करंट रहा है आई वन एंड आई टू। तो हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू क्या होगा, एक रिलेशन मालूम चल गया आपने कि I1 plus I2 is equal to क्या हो गया। अब मुझे क्या करना है कि I1 I2 का यदि वैल्यू मालूम चल जाए तो हम आसानी से I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने को क्या निकालना है कि करंट सप्लाई बाय द बैटरी, I mean क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, I कैलकुलेट करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ अप्लाइंग के वी एल इन क्लोज लूप। देखो कौन सा लूप हम कंसिडर, लूप ए बी डी ई ए, ए बी डी ए कौन सा लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, ए बी डी ए। अब देखो क्या है, अब मैंने ये बताया था कि वाई ए लूप, देखो ए लूप करंट के डायरेक्शन में कंसिडर किया है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, माइनस आई आर होगा, ये याद रखना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस आई आर, तो माइनस आई आर। इस रेजिस्टर के फोर आर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई टू इंटू आई मीन फोर आई टू, ठीक है। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो
पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो अगेन क्या है, हमेशा एक ही पॉइंट याद रखना है कि वाइल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर विल बी इक्वल टू माइनस आई आर। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस आई आर। अब देखो इस बैटरी को हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, लो टू हाई, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस वी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से आप देख सकते हैं, अब हम ये भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू, ठीक है, i, आई मीन ये कितना हो जाएगा, 2i। देखो i और i कितना हो जाएगा, तो 2i प्लस 4i2। अब यहां से आप i का वैल्यू रख सकते हो, i इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इस इक्वेशन से i1 प्लस i2, तो v इज इक्वल टू r इंटू 2i1 प्लस I2 प्लस 4I2। इसको सिंप्लीफाई, तो वी आर इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो 2I1 प्लस 6I2। सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपने, एक इक्वेशन देखो यहां क्या है, दो अनेन I1 I2 है, दो लूप हम कंसीडर करेंगे, बाद में मैं नोट में लिख दूंगा। तो दूसरा लूप हम क्या कंसीडर करेंगे, लूप कौन सा बोलो, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या कंसीडर कर लें, ए बी सी डी डी ई ए कंसीडर करते हैं, लार्जर लूप कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज भी होगा, बी सी डी डी बी भी चलो यही कंसीडर कर। नाउ अगेन अगेन अप्लाइंग के वी एल इन क्लोज लूप बी सी बी सी डी डी बी। अब देखो क्या है, बी सी बी टू सी, अगेन करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो इधर भी निगेटिव होगा, इधर भी निगेटिव होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू आर आई वन, इसमें भी क्या होगा, माइनस टू माइनस टू आर टू आर I2। यहां देखो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां क्या लेंगे, प्लस आई आर लेंगे, तो कितना लिखेंगे, प्लस 4 है ना R I2, यही लिखेंगे ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही होता है ना, सी सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, माइनस क्या हो जाएगा, आई मीन माइनस क्या होगा, माइनस टू आर आई वन प्लस टू टू क्या हो जाएगा, प्लस टू आर आई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम बोल सकते हैं कि आई वन इक्वल टू क्या होगा, आई टू। ठीक है, क्या हो गया, आई वन इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, I2 मिल गया। अब हम वैल्यू रख सकते हैं इसको, इक्वेशन हम क्या कंसीडर कर लें, 3 कंसीडर कर लें, तो हम लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इक्वल टू I2 इन इक्वेशन क्या होगा, इन इक्वेशन वन या इक्वेशन थ्री में रख देते हैं, सेकंड में है ना, तो वी गेट क्या होगा, v अपॉन v इंटू v इक्वल टू r इंटू, देखो तो i1 इक्वल टू i2 रख दोगे तो क्या लिखेंगे, टू i1 प्लस 6i1, ये कितना हो जाएगा, I1 is equal to V upon 8, R equal to क्या होगा, I2। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप देखोगे, नाउ फ्रॉम लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन हम क्या मान लें, 4 मान लें, तो हम लिख सकते हैं नाउ, नाउ फ्रॉम 4 इक्वेशन, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ,
से क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आई वन इक्वल टू क्या होगा, टू आई टू। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन फोर आर। यही क्या हुआ आपका आंसर, सिंपल क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल है, आप देखो इसको कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सीरीज पैरेलल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल क्या है, किरचॉफ लॉ कैसे यूज करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है ना। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, देखो ध्यान से। फाइंड, यहां मैं लिख देता हूं, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट एज सून इन द फिगर, इन द फिगर बिलो। अब देखो क्या दिया हुआ, ध्यान देना है ना। यही कैपेसिटर है इसका आर आर, सिंपल मैं वैल्यू रख रहा हूँ ए वी। ठीक है, अब एक चीज मैंने बताया था, देखो यहाँ हम कई कॉन्सेप्ट सोचेंगे, लेकिन मैं नाम लिख देता हूँ ए बी लूप ए बी सी डी। अब मैंने एक चीज बताया था कि इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट क्या होगा, यदि मैं सर्किट रीड्रॉ करूं तो मैं ये बता सकता हूं, क्या बताया था सॉल्यूशन में, मैं लिख देता हूं यहां। देखो हमेशा इसमें बहुत सारे, इवन एचसी वर्मा में भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां मैंने ये बताया था कि इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, यही होता है ना, क्या होता है करंट, सॉरी कंडक्टर नहीं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर विल बी क्या होगा, जीरो। तो आई मीन कैपेसिटर जो होगा वो किस तरह बिहेव करता है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, यही होता है ना। तो यहां फिर से मैं लिख देता हूं, इन क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर वी हैव लाइक ओपन स्विच, दैट इज रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, रेसिस्टर कनेक्टेड कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज विथ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर, सिंपल कंडक्टिंग वायर। यदि मुझे स्टेडी स्टेट का डायग्राम ड्रॉ करना, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, तो देखो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा हमेशा, ये बहुत ही ऐसे डायग्राम। इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे, ये सीरीज में कौन है, आर है, इस आर को हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ ऐसे सिचुएशन होगा, इधर तो क्या हुआ, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया इधर, तो इधर से जो करंट आएगा है ना, वही करंट क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो यदि रेजिस्टेंस सबका आर है, इसका भी क्या दिया हुआ है, आर, ये भी आर और ये भी आर दिया हुआ है,
तो इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, है ना? तो हम तो पहले लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ये वाला ये रेजिस्टर और ये क्या हुआ, पैरेलल में हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि वीसी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको यदि हमने क्या नाम दिया है, ए बी सी डी, तो वीसी इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी, और इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अरे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई इंटू आर होगा। अब देखो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यदि स्टेडी स्टेट में इस पे चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, क्योंकि हमने जनरली क्यू नॉट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट कंसिडर किया है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन एसटीडी स्टेट, ये क्या हो जाएगा, वी सी, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि क्यू नट इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू आई इंटू क्या लिखेंगे, आर, यही होगा ना। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां लूप लॉ भी यूज कर लेंगे हम, यहां क्या करना है, लूप लॉ यूज कर सकते हैं। तो यही क्या हुआ, चार्ज, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, और वीसी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखो मैं ये लूप कंसीडर कर लेता हूं। चलो इस बार हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन, आई मीन लूप मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, लूप। तो मैं यहां लिखूंगा कि अप्लाइंग, क्या लिखूंगा, अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप DCBA, ये देखो है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, क्या होगा, प्लस IR, व्हाइल गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, या व्हाइल क्रॉसिंग द रेजिस्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी प्लस IR। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस IR, यहां भी क्या होगा, प्लस IR, यहां भी क्या होगा, प्लस IR, और व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी, व्हाइल क्रॉसिंग द बैटरी, देखो हम क्या है, हाई टर्मिनल टू क्या जा रहा है, लो टर्मिनल, तो चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस वी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां देखो वी इज क्या होगा, आई क्या होगा, आर वन आर प्लस आर, आई इंटू आर प्लस आर इक्वल टू वी, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई थ्री। अब वी ए बी कितना, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं, आई भी हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, तो नाउ लिख सकते हैं, नाउ क्यूनेट इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू भी आप रख सकते हो, क्यूनेट इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर इंटू वी बाई थ्री आर, और ये कितना हुआ, सी वी बाई थ्री। यही स्टेडी स्टेट चार्ज मालूम चल गया अपने को बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम इस तरह क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, इवन सीरीज पैरेलल पढ़ जाएंगे तो ये आसान, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये क्या है, ऑल सीरीज में है तो एक स्टेप में आ जाएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन, इसलिए हम उसी को यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आप सब लोग जानते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं, यही है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें आप लोगों को मालूम है कि
ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर दें। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं यहां। देखो ये R1, ये क्या हुआ R2, R4 एंड ए दिस इज नथिंग बट द R3। ठीक है, ए बी सी या ए बी सी और ये क्या हुआ डी। देखो यहाँ हमने क्या किया, बैटरी से करंट, यहाँ दोनों एप्लीकेशन हो जाएगा, आई मीन किरचॉफ्स लॉ भी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका ईएमएफ क्या है, अगेन देखो ये सी है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी और यहाँ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ करंट क्या होगा, आई यहाँ से जाएगा, जैसे ही देखो ये क्या है, नोड है, ये भी नोड है, तो यहाँ करंट के दो पाथ होंगे। एक करंट क्या होगा, ये आई ऐसे, तो यहाँ से I1 चला जाएगा और इधर से क्या होगा I2 चला जाएगा। यहाँ अगेन ये I2, फिर I2 और यहाँ से I1 और अगेन कंबाइन होकर के I2। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ मुझे क्या करना है कि करंट, सबसे तो पहले अपने को क्या करना है, करंट सप्लाई बाय द बैटरी कैलकुलेट करना। तो देखो यहाँ ध्यान से कि अब यहाँ भी तीन लूप बनेंगे, तो पहले तो हम लिख दें कि अप्लाइंग, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट आइदर ए, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए और सी, ए और नोड सी, वी गेट क्या क्या मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, यही होगा ना। यहाँ करंट आ कौन रहा है, आई, और जा कौन कौन सा करंट रहा है, I1 एंड I2, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्या हुआ I1 प्लस I2। अब आप देखो यहाँ लूप हम कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, तो देखो एक लूप मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला, आई मीन ए वाला है ऐसे, और एक लूप हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला, आई मीन ए वाला, तीसरा लूप भी, लेकिन कोई भी एक आप लूप कंसीडर कर लो। तो मैं लिख रहा हूं यहां इक्वेशन वन मिल गया, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल इन अ क्लोज लूप, क्लोज लूप ए ए बी सी डी ए। ठीक है, विगेट। तो अब देखो अगेन अब यहां से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलते जाओ जल्दी, यहां क्या होगा माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा माइनस आई आर, तो क्या लिखेंगे माइनस I1 R, यहां क्या होगा माइनस I1 R1, यहां क्या होगा माइनस माइनस I1 R2 माइनस I1 R2। अरे इसमें देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा प्लस I2 R4 प्लस I2 R4। यहां भी देखो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू प्लस IR, तो यहां क्या लिखेंगे प्लस I2 R3 इक्वल टू क्या होगा जी, यही होगा ना। तो देखो यहां से क्या मिला, आई मीन I1 इक्वल टू क्या हुआ R1 प्लस R2, है ना, I1 क्या मिल गया, I1 इक्वल टू क्या हुआ R1 प्लस R2 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I2 इंटू क्या हुआ R3 प्लस क्या मिल गया R4। यही से आपको
तो एक इक्वेशन क्या हुआ, ए मिल गया, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि I1 upon I2 is equal to क्या होगा, R3 plus R4 upon R1 plus R2। ये बाद में और आसानी इजीएस्ट वे से भी हम सॉल्व कर सकते हैं सीरीज पैरेलल से, लेकिन मैंने सोचा कि अभी केवीएल हम किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं तो उसका हम यूज कर सके, ठीक है। इसके बाद अब ये मिल गया, देखो अब दूसरा जो किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे, आई मीन केवीएल, एंड नाउ अगेन अगेन अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप। अब देखो हम कैसे चल रहे हैं, ए डी सी, यहां डी नहीं लिख करके पी लिख देते हैं, पी और यहां क्यू लिख देते हैं, ए डी सी पी क्यू ए, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं इधर, इसकी जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो तो करंट के डायरेक्शन में, अब देखो यहां से तो क्या लिख सकते हैं, आई टू लिख सकते हैं, आई टू करंट के डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा, निगेटिव माइनस आई आर होगा, क्या होगा माइनस आई आर। तो यहां क्या होगा, माइनस आई टू इंटू आर थ्री, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई टू इंटू आर थ्री। आर फोर रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस आई, क्या होगा माइनस आई टू आर फोर, माइनस आई टू आर फोर इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो यहां से सॉरी जीरो नहीं होगा। अब देखो उसके बाद यहाँ बैटरी के लोअर टर्मिनल टू हाई टर्मिनल जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस वी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई टू इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर थ्री प्लस क्या होगा आर फोर। सिमिलरली आई वन इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर वन प्लस क्या होगा आर टू। तो करंट मालूम चल गया, क्या हो गया करंट मालूम चल गया, ठीक है। एक तो रिलेशन ये था, दूसरा रिलेशन अपने को मालूम चल गया, हम आसानी से अब I1 I2 लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले VAB निकालना। देखो तो VAB कितना लिख सकते हैं, अब A और B में कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, A, तो हम लिख सकते हैं नाउ नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो प्लस I, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये क्या लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या लिखेंगे प्लस I1 R1, तो क्या लिखेंगे प्लस I1 R1। उसी तरह लिख सकते हैं VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्लस I2 R2 लिख सकते हैं। अब हम किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप लिख सकते हैं ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ सेकंड, नाउ 1 माइनस 2 लिख देते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी गेट, तो जब 1 माइनस 2 लिखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहां क्या लिख सकते हैं वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट वी डी माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, यही है ना फर्स्ट माइनस सेकेंड, आई मीन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड सही है ना, ये होगा। अब आई वन आई टू का हम वहां क्या करेंगे, वैल्यू रख दें तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखो वी डी या आई भी लिख सकते हैं, आर वन तो हम क्या लिख सकते हैं वी, देखो वी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं वी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहां लिख सकते हैं I1, I1 क्या है, आई मीन R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, नहीं हमने यहां गलत लिख दिया, R3 होगा, सॉरी ये R3 होगा, हमने गलत लिख दिया है, ये R3 लिख लेना, ठीक है। R3 अपॉन क्या होगा R3 प्लस R4, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, हो गया है ना। अब यहां से तीन कंडीशन हो सकते हैं, अभी हो सकता है VD will be क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो सकता है, तो यहां मैं लिख देता हूं
बी डी माइनस बी बी विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी बी डी माइनस बी बी इंटू क्या होगा, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आर वन इंटू, है ना, आर वन इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री प्लस आर फोर माइनस आर थ्री इंटू आर वन प्लस आर टू अपॉन क्या होगा आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर फोर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है ना, तो हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर फोर इंटू, यहाँ लिख सकते हैं आर वन आर फोर माइनस आर टू आर थ्री। अब क्या होगा, अब तीन कंडीशन हो सकते हैं, बी डी बी बी से बड़ा हो सकता है, बी 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 डी से बड़ा हो सकता है, और बी डी और बी बी क्या होगा इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से वेन क्या होगा वेन, या ए लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं, इफ बी डी इज ग्रेटर देन क्या होगा बी बी, देन क्या होगा, देन क्या होगा, देखो तो आर वन आर फोर इज ग्रेटर देन क्या होगा आर टू आर थ्री, आई मीन क्या होगा, जब क्या होगा ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, अब क्या होगा कि अब इस सिचुएशन में डी जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, बी क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो इफ वी कनेक्ट बी एंड डी बाय ए कंडक्टिंग वायर देन करंट किधर फ्लो होगा, ठीक है, हेंस इफ वी कनेक्ट ए कंडक्टिंग वायर बिटवीन बी एंड डी देन क्या होगा, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी, करंट किधर से किधर फ्लो होगा डी से बी, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। दूसरा इसमें केस क्या हो सकता है, दूसरा जो सिचुएशन है कि क्या होगा कि इफ बी इज आई मीन बी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा बी डी, देन क्या होगा देन आर टू आर थ्री इज ग्रेटर देन क्या होगा आर वन आर, हेंस क्या होगा हेंस इफ वी कनेक्ट पॉइंट बी एंड डी पॉइंट्स बी एंड डी बाई ए क्या होगा कंडक्टिंग वायर देन करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, इस सिचुएशन में ऐसे होगा, और करंट कब तक फ्लो होता रहेगा ये आपको मालूम है। तीसरा जो कंडीशन होता है अब इस सिचुएशन में देखो थर्ड क्या हो सकता है, इफ बी बी इज इक्वल टू क्या होगा बी डी देन क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या इसको बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो R1 R4 is equal to क्या होना चाहिए? R2 R3, I mean product of resistance in opposite arm must be क्या होना चाहिए? Constant। इसका मतलब क्या होना चाहिए? Product कैसे याद रखेंगे? R1 R4 product of resistance in क्या होगा? Opposite arm must be क्या होगा? Constant, ठीक है। ये क्या है condition? This is condition, condition for balance, balance with stone bridge, ये याद रखना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होगा? अभी क्या होगा? करंट जो होगा फ्लो नहीं होगा, हैंस तो क्या होगा? इफ वी कनेक्ट पॉइंट बी एंड, क्या होगा? बी एंड डी बाई ए कंडक्टिंग वायर देन देयर विल बी नो करंट फ्लो फ्रॉम बी टू डी, देन देयर is no current will flow from point B to D, ठीक है, ये याद रखना है। अब यदि ऐसा कंडीशन हो, देखो ध्यान से डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अब यहाँ क्या है? आइदर क्या है? रेजिस्टर्स है, ए आर फाइव मैंने लिख दिया, ए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, यहाँ ठीक है, ए पॉइंट क्या है? ए है, बी सी डी। अब यदि बैलेंस होगा, ये दिया है, क्या होगा इस सिचुएशन में? आई मीन दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो इधर से जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो यदि क्या होगा? इफ हम लिख सकते हैं इफ वी बी इक्वल टू क्या होगा? वी डी, और R1 R4 is equal to R2 R3, then current through R5 must be क्या होगा? Must be zero. This is the condition. एक और पॉइंट याद रखना है, दूसरे तरह से भी यहाँ क्या है, गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चंस दिया रहता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को क्या करना, करंट और वोल्टेज को क्या करना, मेजर करना, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो देखो ऐसे भी दिया रहेगा, एक दूसरा भी पॉइंट बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे आई मीन ओपन कर देंगे, इधर से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, तो वी इक्वल टू आई आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये इसको हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट से आई मीन कंडक्टिंग वायर से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, जो आप जानते हैं। तो अब आसानी से आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ, ठीक है, ये आई, ये भी क्या होगा आई। एक और यहाँ पॉइंट पूछा जाता है जो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट मेजर करना। जस्ट आप ये ध्यान देना कि मैंने वहां भी बताया था, गैल्वेनोमीटर का एक है सिंबल होता है, ठीक है, ए आर वन
आर फोर सॉरी आर टू आर फोर आर थ्री इधर करंट जा रहा है इधर क्या होगा करंट क्या होगा जीरो जी क्या है इसको एक गैल्वेनोमीटर है आप केवल अभी ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर तो एक चीज यहाँ केवल याद रखना है इफ द बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस आई मीन इफ वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस बस ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ ध्यान देना कि यदि क्या होगा वीट स्टोन ब्रिज क्या होगा बैलेंस होगा तो हम क्या करें यदि गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज कर दें देन देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑन द कंडीशन ऑफ बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज आई मीन व्हेन द वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एज वेल एज गैल्वेनोमीटर तो एक पॉइंट ये लिखना है कि व्हेन Wheatstone bridge is balanced, then we can interchange the position of galvanometer and battery. ठीक है बस एक पॉइंट ध्यान देना ये पूछा हुआ क्वेश्चन आई मीन आप इसके और इस दोनों के आई मीन गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी रख दो और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर रख दो तो बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है ओके थैंक यू इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसे और रिलेटेड सम देखेंगे ठीक है ओके